हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट निशांत फ्रॉम निशांत लॉ एकेडमी। आज हम पार्ट थ्री करेंगे, 5 से लेकर 55 तक के ही चलेंगे आपके, क्योंकि काफी बड़े सेक्शन है। ठीक है, चैप्टर 2 आपका है एविडेंस एक्ट का। इन विच ऑफ द सेक्शन एविडेंस एक्ट कन्फेशन मेड द पुलिस इज नॉट एडमिसिबल। इनमें से कौन सा सेक्शन है जिसके तहत आपका पुलिस के सामने कन्फेशन किया हुआ नहीं माना जाता? ठीक है, तो 25 में नहीं माना जाता, तो इसका आंसर ए है। 24 बात पे आता है कि कन्फेशन अगर आपका थ्रेट प्रॉमिस करके लिया गया तो वो इररिलेवेंट है। 32 कह रहा है आपका, 32 कहता है कि आपका इन केसेस इन विच द स्टेटमेंट रिलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज नॉट डेड और डाइंग डिक्लेरेशन और इन चीज़ों की बात करता है। और 27 बात करता है आपका कि अगर अक्यूज ने अगर कन्फेशन करा है और उसने कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट करी है तो वो कन्फेशन माना जाएगा। क्या मान लीजिए, अगर मान लीजिए पुलिस अक्यूज है जो पुलिस के उसमें है, कस्टडी में है, तो क्या उसका कन्फेशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ठीक है, देखो क्या है, कन्फेशन मेड टू अ पुलिस मतलब कन्फेशन करा गया पुलिस की कस्टडी, पुलिस ऑफिसर के सामने, वाइल नॉट इन कस्टडी, पर वो कस्टडी में नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि वो कस्टडी में नहीं है, बाय पर्सन अक्यूज ऑफ ऑफेंस, तो भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि 25 में कह तो दिया कि आपका इनएडमिसिबल है, तो नॉट एडमिसिबल है। ठीक है, रेलिवेंट की बात भी नहीं करी, सीधा कहते हैं कि एडमिसिबल ही नहीं है, पुलिस इज नॉट एडमिसिबल 25 में। ठीक है, 32 में डाइंग डिक्लेरेशन सब की बात कही गई है, इसका आंसर, इसका भी आंसर ए है। ठीक है, 363 का आंसर ए है। और 20 में बात करी गई है आपका एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर टू अ पार्टी टू अ सूट। और 21 बात करता है आपका प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट मेकिंग सेट। ठीक है, अ कन्फेशन टू बी इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट मस्ट बी रिलेटेड टू दी, अब ये 364 कह रहा है कि किससे रिलेटेड होना चाहिए, इज नॉट एडमिसिबल। पच्चीस कह रहा है अ कन्फेशन इनएडमिसिबल सेक्शन 25। कौन सा मजिस्ट्रेट करता है, हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमें कन्फेशन हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है। और आपका कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट ऑन ओथ, अगर मान लो मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ऑन ओथ कन्फेशन रिकॉर्ड करा है तो क्या वो मान्यता है या नहीं है? तो आंसर है इसका बी, इनएडमिसिबल है, आपका कन्फेशन कभी भी नहीं होता बाय ओथ, तो इसका आंसर बी है। A confession statement made before a police is admissible, inadmissible, is not admissible. So, इसका आंसर बी है। तो ये 25, सेक्शन 25 के तहत है। A relevant confession will become irrelevant. A relevant confession एक होगा, become irrelevant बन जाएगा। Made to a police officer, अगर वो पुलिस ऑफिसर के सामने करा है, promise of secrecy करा है, क्या है, या ड्रंक में कुछ बोला, या deception में, तो ये तीनों तो आपके valid है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, तो ए इसका invalid है, तो इसका आंसर होगा ए। 368 कह रहा है, a statement before to a police officer in course of investigation was to design was carried out according to the plan but no reference made to the person who was involved in murder or to make a statement himself, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका ए। ठीक है, कि prosecution shall not be allowed to prove his statement being hit in under section 55, क्योंकि उसको 25 के तहत करा गया, तो इसका आंसर है आपका ए। प्रोविजन रिगार्डिंग कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज गिवन इन दिस सेक्शन, तो आप 25 में दे रखा है। ठीक है, 24 में तो आपको ये बता रखा है कि इंड्यूसमेंट करंट से कन्फेशन नहीं माना जाएगा, 26 में आपको बता रखा है कि कन्फेशन बाय अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट एडमिसिबल, 27 में बता रखा है कन्फेशन अगर वो आपका रिकवरी करके करा है तो वो मान्यता है। ठीक है, तो ये चीज बताइए, तो इसका आंसर क्या है वैसे आपका 368 का?
अंडर विच ऑफ द सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट द कन्फेशन बिफोर द मैसेज इज रेलिवेंट, कौन से सेक्शन के तहत बताया गया कि मैजिस्ट्रेट के सामने किया हुआ कन्फेशन कन्फेशन माना जाएगा, तो 26 बताया गया, ठीक है, तो 26 इसका आंसर है, यानी कि सी, ठीक है। द टर्म पुलिस कस्टडी यूज अंडर सेक्शन 26 means which of the following, इनमें से कौन सी प्रेजेंस हमसे इनडायरेक्ट कंट्रोल है, सम रिस्ट्रिक्शन, सम काइंड ऑफ सर्विलांस रिस्ट्रिक्ट ओवर द अक्यूज्ड, देखो सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, यानी कि मान लो यहाँ एक पुलिस वाला खड़ा है, ठीक है, और अक्यूज जो है वो डॉक्टर की निगरानी मतलब हॉस्पिटल के अंदर है, ठीक है, तो वो एक तरह से उसके अंदर कस्टडी में ही माना जाएगा, सर्विलांस होना चाहिए, ठीक है, कि सम काइंड ऑफ सर्विलांस एंड रिस्ट्रिक्शन ओवर द अक्यूज बाय द पुलिस, ठीक है, तो पुलिस कस्टडी का मतलब ये है, आंसर है इसका टी। 332 का द टर्म जुडिशियल कन्फेशन मींस, जुडिशियल कन्फेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, इट मेज बिफोर पुलिस ऑफिसर इट कॉज इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस बिफोर एनी कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट या बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, तो इसका आंसर है आपका इट मेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, जो आपका जज के सामने मैजिस्ट्रेट के सामने किसी और के सामने कर दिया। अब बात करें हम 373 क्वेश्चन के बारे में कि सेक्शन 26 क्या कहता है, सेक्शन 26 कहता है कि कन्फेशन मेड बाय अ पर्सन पुलिस कस्टडी ए और सी इसका आंसर सही है, नो कन्फेशन मेड बाय पुलिस पुलिस मेड बाय अ पर्सन इन पुलिस कस्टडी इज एडमिसिबल, कन्फेशन मेड इन इमीडिएटली प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट इज एडमिसिबल, तो यानी कि इसका आंसर है आपका ए और डी, ठीक है, ए और सी सही है, तो यानी कि ये सही है। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 26, अंडर सेक्शन 26 के तहत माना जाएगा, ठीक है, तो आपका कैसे इसका आंसर है, इफ मेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, अगर वो मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में करा गया तो वो इसमें माना जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर सही है। अगर 375 कह रहा है कन्फेशन मेड बाय पुलिस व्हाइल इन पुलिस कस्टडी इज इनएडमिसिबल, इनएडमिसिबल माना जाएगा, तो क्या सी इसका आंसर है, ठीक है, अगर पुलिस कस्टडी में करा गया, देखो 25 बात कह रहा है कि पुलिस में करा गया और ये 26 बात कह रहा है पुलिस कस्टडी में इनएडमिसिबल है, ठीक है, बट वो अगर इमीडिएटली प्रेजेंस हो मैजिस्ट्रेट के करा गया तो एडमिसिबल है, और 29 बात कर रहा है आपका कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट नॉट बिकम इररिलेवेंट, अगर प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी मैं वादा करता हूँ तेरा बात कहीं नहीं बताऊंगा, ऐसी चीज करी है, इंड्यूसमेंट थ्रेट हट चुका उस कन्फेशन से, तो वो आपका मान्यता है। एंड डिस्कवरी ऑफ फैक्ट अंडर सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट इंक्लूड्स, इस पर कौन सी चीज इंक्लूड्स है, तो आपका 376 का आंसर है ऑल ऑफ दिस, कि ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करो, प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट बताया, नॉलेज दी अक्यूज ने कि यहाँ पर रखा है, तो इसका आंसर ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिट्रैक्टेड कन्फेशन, रिट्रैक्टेड कन्फेशन का मतलब क्या है, ठीक है, रिट्रैक्टेड कन्फेशन का मतलब है कन्फेशन विच इज सब्सिक्वेंटली रिजाइड, जो आपका सब्सिक्वेंटली रिजाइड हो जाए, ठीक है, इसका आंसर सी है। For recording confession, the magistrate should, a magistrate को क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए confession record करते हुए, तो magistrate को ध्यान में रखना चाहिए inform such person that he is not bound to do, यानी कि आपका ये चीजें inform करनी चाहिए बाकी में, कि get the person arrested is summoned to the complainant, ये आपका D इसका, मतलब ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उसे बताएगा कि भैया तेरे को क्या क्या circumstances हो सकते हैं इस चीज से, ठीक है। A confession by an accused while in police custody could prove against him only when made immediate presence of, kiski presence mein karayi aapka judicial magistrate. A confession made by accused person is relevant. A confession jo hai wo aapka kab relevant mana jayega? जब वो करा गया, इफ इट इज मेड वाइलेंट इन ही इज इन कस्टडी और फॉर पुलिस ऑफिसर एंड इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, तो ये टी है इसका आंसर। कन्फेशन मेड बाय पर्सन इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट सच पर्सन विच एविडेंस एक्ट, अब इसका आंसर क्या है आपका बी, कि 26 में माना जाएगा, 26 क्या कहता है आपका कि पुलिस कस्टडी में नहीं माना जाएगा, ठीक है, 25 आपका पुलिस के सामने नहीं माना जाएगा, ये पुलिस कस्टडी में नहीं माना जाएगा। 27 क्या था कि कन्फेशन अगर करा है तो माना जाएगा, उसका अपना पार्टी माना जाएगा जैसे कुछ डिस्कवरी हुई, और 28 क्या था आपका
कन्फेशन मेड आफ्टर द रिमूवल ऑफ द कॉज इन मतलब यानी कि उसमें से अगर जब इंड्यूस का थ्रेड निकल गया तो वो मान लिया। 382 कहता है आपका कि इन जॉइंट ट्रायल द एविडेंशरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन ऑफ अक्यूज अफेक्टेड हिमसेल्फ एंड अदर्स हैज बीन डिस्कस्ड बाय ये कौन से केस में डिस्कस हुआ था, ये हुआ था सुशमीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी इस वाले में हुआ था। तो इसका आंसर ये है। एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन मीन एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन होता है आपका बिफोर मजिस्ट्रेट इन द कोर्ट, नहीं ये तो होगा ही नहीं, तो इसका बी और सी होगा, तो जहाँ बी और सी है यानी कि ई आंसर है। कन्फेशन इज एडमिसिबल इफ इट इज मेड बाय द अक्यूज्ड टू
अब इसका आंसर क्या है आपका, इसका है बी, द प्लेस फ्रॉम विच द नाइफ वॉज प्रोड्यूस एंड द नॉलेज ऑफ ए इन लीडिंग द रिकवरी ऑफ नाइफ, यानी कि वो 27 से रिलेटेड है, तो इसका आंसर बी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 27, तो सी है इसका आंसर, नहीं इसका आंसर बी है। क्या कह रहा है, किस वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन रिवर एक्ट चैलेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल, डॉक्ट्राइन ऑफ कंफर्मेशन बाय द सब्सिक्वेंट फैक्ट 396, ये किससे रिलेटेड है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट, ठीक है, तो ये 396 आपका ए है इसका आंसर। इन विच योर केस, इन विच केस सेक्शन 27 ऑफ इंडियन रेवन्यू एक्ट वाज हेल्ड बी वैलिड अंडर 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपका 397 क्वेश्चन कह रहा है कि इन केस में से 27 के कौन से केस पर डिस्कस होता, तो ये होता रेमन वर्सेस उपाध्याय वाले केस पे, ठीक है, ये आपका स्टेट वर्सेस यूपी रेमन उपाध्याय वाले केस पे हुआ था। फिर अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट इंफॉर्मेशन रिसीव, इसका आंसर ऊपर वाले का था ए, सॉरी सी, इसका आंसर है ऊपर वाले का 397 का सी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एन एक्यूज्ड पर्सन बाय पुलिस इज रेलिवेंट, आपका वो रेलिवेंट माना जाएगा, तो 398 का आंसर है आपका सी, ठीक है, तो इसका आंसर एक फैक्ट डिस्कवर्ड कन्फेशन स्टेटमेंट ऑफ एन एक्यूज्ड इन अ कस्टडी व्हेन एडमिसिबल, कब एडमिसिबल माना जाएगा, तो 399 का आंसर है आपका लीडिंग टू डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो रही है। मैंडेट रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 37 क्या मैंडेटरी है, सेक्शन 27 से रिलेटेड क्या चीज मैंडेटरी है, तो इसका 400 से मैंडेटरी है आपका द कन्फेशन ऑन द पुलिस कस्टडी, की कन्फेशन पुलिस कस्टडी में हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस रेफर्ड बाय द सिक्स आंसर 400 का है ए, ठीक है, 400 का आंसर है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केस रेफर्ड टू द कॉन्स्पिरेसी 27, केस में से कौन सा केस है जो 27 से रिलेटेड है, तो इसका आंसर ही यही है फुलकोरिया कोटिया वर्सेस स्टेट ऑफ एंथर अंडर सेक्शन 27, अंडर सेक्शन 27 से रिलेटेड आपके कौन सी बात सही है, इसका आंसर ए है, देखो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट अप्लाइज, कहाँ अप्लाई होता है ये आपका, तो ये ए है, टू पुलिस नॉट प्रीवियसली लर्न फ्रॉम द अदर सोर्सेज एंड वाज फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ए है इसका आंसर 403। तो आज के लिए इतना ही।